नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड वेडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेडमी K30 में एक पबजी का गेम प्ले। इस फ़ोन में हम लोग पबजी गेम प्ले करके देखेंगे कितना बैटरी ड्रेन होता है कुछ देर गेमिंग करने के बाद। यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी बैटरी परसेंटेज जो है 100% पे बैटरी परसेंटेज है, और साथ ही में यहाँ पर टाइम हो चला है 12:42। तो 12:42 से हम लोग गेम प्ले करेंगे और देखेंगे एक घंटे गेमिंग के बाद कितना बैटरी परसेंटेज डिक्रीज होता है। और दोस्तों, गेमिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ, जब आप लोग फर्स्ट पे यहाँ पे गेमिंग चालू करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो सेटिंग मिलेगा वो है एकदम हाई सेटिंग। एकदम हाई सेटिंग में डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग दिख जाएगा आप लोगों को। और उसके बाद जब आप गेम के अंदर में एंटर करेंगे तो वहाँ पर अगर आप लोग ग्राफिक सेटिंग को देखेंगे तो वहाँ पर आप लोग मैक्सिमम HD सेटिंग तक खेल सकते हैं। HDR सेटिंग का यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। साथ ही में HD सेटिंग में आप लोग हाई फ्रेम रेट्स पे गेम प्ले कर सकते हैं, लेकिन मीडियम पे खेलेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को अल्ट्रा सेटिंग का, अल्ट्रा फ्रेम रेट का देखने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए गेम प्ले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गेम प्ले कैसा होता है, और साथ ही में यहाँ पे टेम्परेचर चेक कर लेते हैं टेम्परेचर कितना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन का इनिशियल टेम्परेचर 25 या 26 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर है, और कुछ देर गेमिंग करने के बाद देखते हैं गेम प्ले में फ़ोन जो है हीट होता है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गेम प्ले काफ़ी अच्छी तरीके से हो रहा है। गेम प्ले में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले होने की वजह से यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ यहाँ पे टच एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेम रेट्स भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। ओवरऑल गेम प्ले काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस लग रहा है। और यहाँ पे कुछ देर खेलने के बाद भी यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी लैग का नामो निशान नहीं है। 730G एक अच्छा चिपसेट है, तो यहाँ पे गेमिंग आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और यहाँ पे इस फ़ोन में मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है, ओवरऑल गेम प्ले काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों, यहाँ पे गेम प्ले के टाइम में आप लोग फ्रेम रेट्स चेक कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट 59-60 यहाँ पे फ्रेम रेट्स दिखा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा फ्रेम रेट भी यहाँ पे गेम प्ले में पबजी में मिल रहा है। दोस्तों, अभी टाइम हो चला है 1:42, यानी कि ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया है। अब चलिए देख लेते हैं बैटरी परसेंटेज कितना डिक्रीज हो गया है, और साथ ही में यहाँ पे कितना टेम्परेचर राइज हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं बैटरी परसेंटेज, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 85% बैटरी हो गया है, यानी कि 100% से 15% बैटरी यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया है। एक घंटे के हिसाब से मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही बैटरी यहाँ पे डिक्रीज़ हो गया है, थोड़ा और कम बैटरी डिक्रीज़ यहाँ पे होना चाहिए था। अगर 10% बैटरी डिक्रीज़ होता तो काफ़ी अच्छी बात होता। और टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर यहाँ पे देख सकते हैं 34-35 डिग्री टेम्परेचर या फिर 33 यहाँ तक टेम्परेचर पहुँच गया है। तो टेम्परेचर भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही राइज हो गया है। अभी विंटर का टाइम है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं टेम्परेचर राइज हो रहा है। समर के टाइम में पता नहीं क्या होगा, फिर भी अगर टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। 35 से 40 डिग्री टेम्परेचर अगर रहता है फ़ोन का तो वो एक नॉर्मल टेम्परेचर कहा जाता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है।
तो दोस्तों ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है गेम प्ले करते हुए, 2 बज गया है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे टेम्परेचर को, टेम्परेचर यहाँ पे देख सकते हैं 32, 33 या 34 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे शो हो रहा है। तो जो टेम्परेचर है 1 घंटा खेलने के बाद भी जितना टेम्परेचर था उतना ही टेम्परेचर है, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो यानी कि थोड़ा देर गेम प्ले करने के बाद थोड़ा सा आपका टेम्परेचर जो है इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद और फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा गेम प्ले कर लिया मैंने, और बैटरी परसेंटेज को चलिए चेक कर लेते हैं बैटरी परसेंटेज कितना हो गया है। तो 1.5 घंटा गेम प्ले करने के बाद यहाँ पे 80% यानी कि 20% जो है बैटरी डिक्रीज हुआ है, वो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ड्रेन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और बैटरी कम ड्रेन होता तो और अच्छा हो सकता था। लेकिन यहाँ पे 120Hz डिस्प्ले होने की वजह से बैटरी ड्रेन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। नॉर्मल 60Hz पे करके अगर आप गेम प्ले करेंगे तो वहाँ पे आपका थोड़ा सा बैटरी बच जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपका गेमिंग एक्सपीरियंस जो है थोड़ा सा कम एक्साइटिंग हो जाएगा, क्योंकि 120Hz में गेमिंग करने का कुछ मज़ा ही अलग है। और ओवरऑल गेम प्ले की अगर बात करें तो ओवरऑल गेम प्ले काफ़ी अच्छा था इस फोन में, लैग का कोई नामो निशान नहीं है पबजी के अंदर में। पबजी आप बड़े ही आराम से खेल सकते हैं और स्मूथ टच एक्सपीरियंस था, साथ ही में 120Hz डिस्प्ले होने की वजह से काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा। ओवरऑल थ्रू द टाइम 60fps का फ्रेम रेट्स मिल रहा था हर मोड में मुझे, मैंने मोड चेंज करके देख लिया था तो हर मोड में ऑलमोस्ट 60fps का मुझे जो है फ्रेम रेट्स देखने को मिल रहा था, जो कि काफ़ी अच्छी एक बात है। ओवरऑल गेम प्ले काफ़ी अच्छा था जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो अगर आप लोग कुछ दिन बाद एक गेमिंग डिवाइस की तलाश कर रहे हैं तो ये आप लोग रेडमी K30 के ऊपर नज़र डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा एक गेमिंग डिवाइस होने वाला है, काफ़ी अच्छा बजट गेमिंग डिवाइस, जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा मिड रेंज प्रोसेसर 730G मिल जाएगा, साथ ही में आप लोगों को 120Hz डिस्प्ले मिल जाएगा, जहाँ पर आप लोगों को गेमिंग करने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।